सबसे पहले योगेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस जगह बुलाया। वैसे हम होते ही कौन है जो इनकी कोचिंग संस्थान। अरे नहीं भाई साहब नहीं, संदीप जी चौधरी आप देखेंगे आएंगे इनके इस एजुकेशन फील्ड में तो दीवाने हैं ही, बहुत योगदान है नोट्स गुरुजी में, उसके लिए सचिन सर इनको सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित कर रहे हैं। उसी लेवल की पढ़ाई आपको एक कम प्राइस में मिल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप चौधरी यूपीपी, और स्वागत है नए व्लॉग में। बहुत दिनों के बाद व्लॉग देखने को मिल रहा होगा। साथ में हमारे विशाल नौबार, बहुत दिनों के बाद, और हम जा रहे हैं फिलहाल जयपुर के पास, एक जगह है जयपुर ही जा रहे हैं भैया, जयपुर जा रहे हैं। और आपने देखा होगा नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन के बारे में मैं बताता रहता हूँ आपको, तो वो वहाँ पे सभी क्रिएटर्स इकट्ठे हो रहे हैं, सभी से मिलाता हूँ मैं आपको, और देखते हैं कि क्या पढ़ाई कराते हैं वो, कैसा उनका सेटअप है सब चीज़, और सबसे मिलाते हैं, बीच में मौज मस्ती करते हुए जाते हैं। अब तो मौज आ रही होंगी तुम्हारी, बहुत दिनों में व्लॉग आ रहा हूँ हमारा भैया। सुनो सिस्टम पार देंगे। दीपक कलाल। On the other tourist place in America, you look very. Oh my God, यहाँ तो थाउ बैठो। क्या लोकेशन है, क्या लोकेशन है, यहाँ गाने का सूट हो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, मैं आ गया हूँ जयपुर, मैं विशाल, और आपको दिखाता हूँ एक हर्ष बनीवाल का छोटा भाई। ये शेर, ये कौन पहचानते हो भाई को? सब पूरे इंडिया। ये सूरज भाई है, कहाँ से भाई आप? यूपी से, यूपी में लखनऊ से। भाई आप? भाई अभी तैयार हुआ भाई, तुरंत आते रेडी हो गया। तो अभी क्या प्लान है, सुबह उठ चुके हैं, अब नाश्ता करेंगे जाके, इन्होंने तो मना कर दिया। इन्होंने कह दी कि कुछ भी खाओ, उठ गए हो, तैयार हो, आ जाओ जल्दी से, एक एक कमरे हम छह छह जने सोए हैं बस, एक ही कमरे में है इतने लोग। रेडी होकर मिलते हैं, दिखाते हैं आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं बेनीवाल साहब। दो हजार एक क्या, अभी तो पैदा हुआ, बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे तो उसका है जिसके लिए बनाया है। हाँ उनका बर्थडे आज, बर्थडे तो भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ 12/7/2002। बिल्कुल बच्चे बच्चे आ रहे हैं आपके? मेरी भी इतनी है 2002। और आपके? 98 2002 ये है, 98 है मेरी, 2006 है भैया मेरी, 2009 है। कल मेरी दूध की बोतल रह गई है कहीं, उसको दूध पिलाओ। चलो भाई जल्दी रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट करने चलेंगे। तो भाई नेहरा भाई हमारे लिए घर से रायता लेके आए एकदम, भाभी ने बनाया आपने? ये तो घर बनाने का, भाभी ने बनाती? हाँ तो उसी ने बनाया। चलो कैसा लग रहा है? बेहतरीन, दो दो गिलास। अब आए हम मन्नत हवेली। हाँ जी, मन्नत लेने आए कि हर्ष भाई की शादी हो जाए। भाई ये लौंडा हमारा कवारा है, इसके लिए मन्नत पे लाओ। उम्र 23 साल, उम्र 23 साल, जिंदा दिल, रंग सांवला, नहीं नहीं सांवड़े दिल चिपकुडी। अबे ये तो बंद है। लो भाई ब्रेड भटका दिए, दीपावली आ रही है। अपने क्या है नॉर्थ गुरुजी की तरफ से विशेष खाने का कार्यक्रम, जिसमें आपको दो, ये क्या है जी, रसगुल्ला, रसगुल्ला और चिप्स, ये स्कूल टाइम में मिलता था भाई, एक साथ में एक एक लेना आपको सबका, तो दो मत। मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ, व्लॉग बनाऊंगा, एक पहले खाने का व्लॉग बना रहे हैं, जो सबसे पहले गाएगा उसको नॉर्थ गुरुजी का एक बैच फ्री। लग जाओ साथ में भाई। चलो मैं जाता हूँ भाई। तो एनटीपीसी की तैयारी पे ध्यान दीजिए, और बैच की जो क्लासेस हैं उनको बार बार लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं इनसे बोल दूंगा और ये मेरी बात मान लेंगे, इस बात की मुझे उम्मीद है इनसे। गारंटी है? गारंटी है, उम्मीद भी नहीं गारंटी है। आगे हमारा संदीप जी चौधरी, और आप देखेंगे आएंगे इनके
इस एजुकेशन फील्ड में तो दीवाने हैं ही, बाकी इनके जो बच्चे हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीके से इनके फैन हैं, ये यूट्यूब पर ब्लॉग वगैरह बनाते हैं। मैं गोविंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर आएं, जय वीरू सीरीज के जय मंच पर आएंगे और आप जो है संदीप जी को साफा पहनाकर इनका स्वागत करेंगे। संदीप जी अभी यूपी पुलिस में कार्यरत हैं और स्टडी और कंपटीशन एग्जाम्स की जानकारी बच्चों को यूट्यूब और अपने इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से देते रहते हैं। इनका भी बहुत योगदान है नोट्स गुरुजी में, उसके लिए सचिन सर इनको सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित कर रहे हैं और डायरेक्टर एंड फाउंडर सीईओ सालू मैम से रिक्वेस्ट है कि वो भी मोमेंटो देकर के सम्मानित करें और उसके बाद में आपको जो है संदीप भाई की आवाज़ में आप अपने इनके लफ्ज़ सुनेंगे तो ये बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से जीवन में ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं, हर राज आपको बताएंगे। वेलकम। पहले तो सभी को राम राम, राधे राधे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस लायक समझा कि मैं आज स्टेज पे खड़े होके आपके सामने बातें कर रहा हूँ। मैं बात करता हूँ नोट्स गुरुजी की। तो वैसे तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो पढ़ाई कराते हैं, लेकिन आपको यहाँ से क्यों पढ़ना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा वो गलत पढ़ाते हैं, लेकिन एक ओवर प्राइज में अगर पढ़ाई कहीं से मिल रही है और उसी लेवल की पढ़ाई आपको एक कम प्राइज में मिल रही है तो सीधी बात है आपको कम प्राइज में पढ़ना चाहिए। और मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी बहुत लेट चल रहा है प्रोग्राम और मुझे भूख लगी हुई है तो अभी अपना दाल चूरमा खा के प्रोग्राम को जल्दी जल्दी निपटाते हैं। वकी मेरी तरफ से नोट्स गुरुजी बेस्ट एप्लीकेशन है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऑल द बेस्ट। संदीप भाई थैंक यू। जैसा कि संदीप भाई ने कहा है कि भूख लग रही है, उस बात पे एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ राजस्थानी व्यंजन आपके लिए तैयार है, दाल बाटी चूरमा, और उसी की वजह से ज़्यादा भूख लग रही है। ये ऐसा कह रहे हैं कि उसी की वजह से ज़्यादा भूख लग रही, तो वो जल्दी मिलेगा आपको। हालांकि इस कार्यक्रम को तो अपन समापन की ओर ले जाएंगे धीरे धीरे। राजस्थानी खाना है ना, उसकी महक शायद यहाँ तक आ रही है तो रुका नहीं जा रहा है। हाँ आप आ सकते हो बिल्कुल। तो कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में आकर के? जब से योगेश भाई ने बताया कि दाल चूरमा बना है तो भाई भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इस बात की खुशी के लिए मैंने बोला कि भूख लग रही है और सभी लोग इसी विचार में बैठे हैं, तो करिए आप अपना कार्यक्रम जल्दी जल्दी। सर बहुत जल्दी इसको फिनिश करेंगे क्योंकि आप सबकी भावनाओं का जो ख्याल है वो रखा जाएगा। अब मैं योगेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारी पूरी टीम को वो बुलाएंगे और यहाँ पर उनको आप सब लोगों से परिचय कराएंगे। आखिरकार दाल चूरमा की व्यवस्था कर दी गई है, बजट, ओ भाई साहब भूख को देखते हुए बहुत सारे आइटम है लेकिन प्लेट नहीं दी गई है। सर सुनो शेर कह रहे प्लेट की व्यवस्था भी है, इमेज बढ़ाने के लिए दीवार पे आ गए हैं, इनको प्लेट दिख रही थी लेकिन फिर भी। अरे ये तो फीका है, इसमें टेस्ट क्यों नहीं है? जाट हो गया आप। ये खाना भी जाट है, प्लेट भी जाट है। गाजर का लुआ भाई, गाजर का लुआ। चल विशाल इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, शुरू करो भाई। क्या पार्टी बनवाई है, क्या मस्त है भाई प्रोग्राम। अपने लोग को इधर लाओ, अगर ये थोड़ा वो लाल होता तो ये गाजर का लो बन सकता था। गाजर है ये, है तो गाजर का लो भाई। नहीं बहुत अच्छा है, पिंक है, पिंक है, व्यवस्था तगड़ी कर दी है जी, मौज होगी। संदीप भाई पूरी शुरुआत कर भाई, इंतजार का फल मीठा नहीं बहुत मीठा होता है। हाँ मेरे से करो। विशाल भाई यहाँ सबसे सुंदर है ही नहीं, बाद में कौन है? नहीं विशाल भाई खुद बताओ, ये क्या बात? विशाल भाई यहाँ सबसे सुंदर है, ये मजाक था इसमें भी बस 25% ही मजाक था, बाकी झूठ था, नहीं बाकी सच्चाई थी हमारा विशाल। अरे नहीं एक नंबर आदमी है, मेरे एक बात नहीं समझ आ रही हमें, तरफ एक नंबर आदमी है, एक नंबर आदमी है, काम करता है, मुझे क्यों नहीं सुनो वाला साहब। अरे हटाओ, बात नहीं समझ आ रही हम विशाल भाई को प्रमोट कर क्यों रहे हैं? ये किंग मेकर है, किंग तो इन्हें बनना नहीं है, इन्हें प्रमोट करके फायदा क्या है बताओ विशाल भाई, क्या फायदा? अरे तुम बताओ ना, क्यों प्रमोट? हम अगर तुम्हें प्रमोट करा तो क्यों करें? देखो हमारे टीम में सुमित भाई है, सही है विशाल भाई को, अरे नहीं विशाल भाई को प्रमोट क्यों करना चाहिए तुम बता दो। विशाल भाई ऑनेस्टली एक अच्छा आदमी है, तो अच्छे आदमी को प्रमोट करो। मैं भी हूँ अच्छे आदमी को प्रमोट करो यार, काम मेरे को करो, काम बताओ सर, काम कैसा करते हैं ये? काम तो वैसे फिलहाल कुछ करते नहीं है, मतलब अरे काम करने की जरूरत होती है नौकर को, ये सच्चाई है। अब इंसान के पास है दिमाग, देखो वो मेरा दोस्त है, दोस्त काम क्यों करेगा, काम मतलब
अब थोड़ा डर लगने लगा इन्हें देखो, अब ये थोड़ा डर, अब ये थोड़ा डर लगा ये इन भाई के साथ। पता क्या सीन है, दो तीन देखो, पहली चीज तो बामन बुद्धि है ये, ठीक है ना, हम भी बामन बारे में बुद्धि नहीं है, सही है, ऊपर से राजस्थानी वो वाली बुद्धि अलग, तो दो तीन बुद्धि ना इनमें होगी मल्टीप्लाई, इसलिए भाई रास्ते में इनको दाढ़ी कटवाएंगे, हमारे साथ लेके जाएंगे ना, जा रहा हूँ मैं 30% कवर कर ले, हमारे जो सबसे मलुक की बात चल रही थी, सुमित भाई कवर कर जल्दी, बढ़िया से पॉइंट मार दे, ये ही कह रहे हैं ये विशाल भाई हैं, ये डुप्लीकेट है। अरे शेर है ना, घर कहते भाई, कार्यक्रम समाप्त हो गया और सब, तो इतना दुखी क्यों हो रहे हो, चलो अपने घर जा रहा हूँ भाई, कहते हैं वो गाना चला दो वो विदाई वाला, बाबुल की दुआएं लेती जा। मैं और विशाल निकल चुके हैं और सीधा जाएंगे पलवल, आज हम घर रुकेंगे और सुबह मथुरा निकल जाएंगे, अब सीधा आपको घर पहुँच कर मिलते हैं, क्योंकि थकान हो चुकी है, मैं सोता हूँ, मुझे गाड़ी चलाएगा, तुम मत सोता भाई। मैं घर आ गया था, आके सो गया और सुबह उठते ही नहा लिया, सेम कपड़े डाल लिए, अब निकल रहे हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं हम, पहले मैं मम्मी से मिलाता हूँ आपको नीचे जाके, फिर निकलता हूँ मैं भाई। मैं तो बिल्कुल 10 मिनट भी ना बैठ पाया मम्मी के पास, तुरंत निकल लिया, मम्मी ने देख लिया दूध और छाछ पैकिंग में पेल दिया, जब देखो दूध छाछ देती रहो भैया, दूध छाछ वाला करके याद कर रहे हैं, मोटो दो दिन से ना, सच्ची बात है भैया, ये तो मुंह बदनामी कर रहा है, यार दूर रह मत तू, पिंकी हमारी, मैं नहाया हूं, नहा के आया हूं, सब वैरायटी और सामने दूध छाल दी, हम दही है और दही हम दूध है, दूध मैंने एक बार भैया, और हम कचरिया इंग्लिश में वे मीन छाछ रहा मिल्क दो, इन्हें छाछ के ना पता हुई, कहीं पहली बार पता चली, ए यू बेवकूफ है तूने, आ जा और सौदा तो दे, चलो 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 मेरे मीनिंग देख, और सौदा तो मां दे रहे हो, ओ कचरिया फचरिया दर्द दी यार, निखालस चटनी साहब क्या है रहो तुम, और है रहो गैया हम ऊपर, अच्छा ले फिर ठीक है, तो या यम साटी, ओए विनोद खावे क्या विन ने, हां यम कचरिया तू ले जा, थोलन छोरा कचरिया का करोगी तुम कचरी, ठीक है मैं निकलता हूं, निकल ले, अजी तू लपेटे को ब्लॉग है मोहब्बत हो, तो मैं तो इतना ही कह सकूं, मैं जा रहा हूं, ठीक करो यार, ये बांध जा, सब ज्यादा क्यूट लगा आप, क्यों अच्छा हैंडसम, हैंडसम क्या, राम राम।